का एक वोट भारत में पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनवाएगा। आपका एक वोट दुनिया में भारत की साख और बढ़ाएगा। इसलिए आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है, जब देश में स्थिर सरकार होती है, तो देश बड़े फैसले लेता है। दशकों से लटकी हुई समस्याओं को सुलझाकर आगे बढ़ता है। आप देखिए, ये हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसमें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर दशकों का इंतजार खत्म किया। ये हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसने हमारे देश के सेना के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू कर देश के पूर्व फौजियों का 4 दशक का इंतजार समाप्त किया। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसने जीएसटी जैसी आधुनिक टैक्स व्यवस्था लागू कर देश का कई दशक पुराना इंतजार समाप्त किया। ये हमारी सरकार है जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाकर देश की महिलाओं का बरसों पुराना इंतजार खत्म किया। ये हमारी सरकार है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम बहन बेटियों में इंसाफ की उम्मीद बढ़ाई। ये हमारी सरकार है जिसने 3 दशकों के इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। ये हमारी सरकार है जिसने एससी एसटी ओबीसी का हित सुरक्षित रखते हुए भी गरीब युवाओं को 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और ये हमारी सरकार है जिसको अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर मिला है। जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो नीति में निर्णयों में स्पष्टता होती है। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक स्तर पर देश की साख पर भी पड़ता है। और साथियों, मैं बताता हूं, मैं जब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को मिलता हूं ना, बड़े बड़े नेताओं को मिलता हूं ना, दुनिया के कोई भी बड़े देश हो, जब मैं उनसे हाथ मिलाता हूं ना, तो अकेला मोदी हाथ नहीं मिलाता है, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े होते हैं। और ये दुनिया को प्रभावित करता है। ये ताकत होती है पूर्ण बहुमत वाली सरकार की। आज दुनिया में भारत की साख एक नई ऊंचाई पर है। आज भारत के पासपोर्ट को बड़े गर्व के साथ दुनिया में देखा जाता है। और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से बीते वर्षों में भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी आज रिकॉर्ड स्तर पर है। कभी सोना गिरवी रखना पड़ता था, आज दूसरी स्थिति है। ये देश में रोजगार के भी नए मौके लगातार बना रहा है। साथियों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था कि यही समय है, सही समय है,
10-12 साल पहले भारत में जिस तरह की परिस्थितियां थी, उन्होंने देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना दिया था। उस समय आप में से बहुत सारे लोग, कोई 8 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, हो सकता है उस समय की सारी स्थिति आपको पता भी ना हो। आज स्थितियां बदली है। हम आज जिन पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, 2014 से पहले की जनरेशन ने उनकी उम्मीद तक छोड़ दी थी। आप में से कई न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, आज हर दिन नई खबर आती है कि देश ने इस सेक्टर में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। लेकिन 2014 से पहले के अखबार खोलिए, आजकल वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। तब आए दिन, वो जमाना था, तब आए दिन करप्शन और स्कैम की खबरें हेडलाइन में छपती थी, हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले सामान्य बात थी। आज उस समय आए दिन देश के नौजवान सड़कों पर उस समय की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। मुझे संतोष है कि हम उस अंधकारमय स्थिति से देश को बाहर निकाल पाए हैं। आज करप्शन की नहीं, क्रेडिबिलिटी की बात होती है। आज स्कैम की नहीं, सक्सेस स्टोरीज की बात होती है। तब भारत फ्रेजाइल 5 में था। दुनिया सोचती थी कि भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया सोचती है कि भारत के विकास से उसका भी विकास होगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की इकोनॉमी 7 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। अर्थव्यवस्था के इतने बड़े विस्तार का बहुत बड़ा लाभ भारत के युवाओं को ही होगा। उनके लिए नए नए सेक्टर्स में रोजगार के बहुत सारे नए मौके आएंगे। इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। साथियों, आज का भारत सबसे युवा है। इसी युवा प्रेरणा से आज का भारत बड़े लक्ष्य तय करता है और उन्हें प्राप्त भी करता है। सोलर एनर्जी से जुड़े कितने ही लक्ष्य, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े लक्ष्य भारत ने तय समय से पहले हासिल करके दिखाए हैं। भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि प्रकृति की रक्षा करते हुए भी विकास कैसे किया जा सकता है। आपने देखा है, भारत की रेलवे ने साल 2030 तक 0 कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का भी लक्ष्य रखा है। आज भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अभूतपूर्व जोर दिया जा रहा है। बहुत ही जल्द भारतीय रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी होने जा रहा है।
इसी 22 जनवरी को सरकार ने सोलर से जुड़ी बड़ी योजना का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का प्रयास है कि हमारे गरीब साथियों का, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली बिल तो कम हो ही, कुछ लोगों का तो 0 बिल हो जाएगा। वो सिर्फ बिल नहीं, अपने घर के छत पर जो बिजली पैदा करेंगे वो बिजली सरकार खरीदेगी और ये परिवार बिजली बेचकर भी पैसे कमा सकें। साथियों, आज का भारत आप युवाओं को बड़ी आशाओं से देख रहा है। आप 21वीं सदी के युवा हैं। आपके पास हजारों साल की विरासत है और इंटरनेट एज में फ्यूचर अप्रोच को देखने का सामर्थ्य भी है। दुनिया में ऐसी कोई युवा पीढ़ी नहीं है जिसके पास रामायण और गीता की प्रेरणा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने का स्कोप दोनों हो। आपके पास ट्रेडिशन की भी ताकत है और टैलेंट की भी ताकत है। आपके पास इंस्पिरेशन भी है, इनोवेशन भी है। आपके पास संभावनाओं का आसमान है और साथियों, आपका सामर्थ्य और बढ़े, आपके हर सपने पूरे हो, इसके लिए हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। और नौजवानों, ये मोदी की गारंटी भी सुन लीजिए, आपके सपने ही मेरे संकल्प है।